राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी एवं कृषि विपणन एवं उद्यान मंत्री श्री राम चौहान मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भोजपुरी महोत्सव एक अपने आप में अलग कार्यक्रम है और भोजपुरी भाषा को लोगों को संजो करके रखना चाहिए। हमेशा न केवल पूर्वांचल में, न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के सभी देशों में जहां हमारे भोजपुरी समाज के लोग बसे हैं, वहां इस तरह के आयोजनों के माध्यम से न केवल इस पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का, संगठित रखने का काम करते हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारे इतिहास को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। आए दिन इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं। हम लोग जितना सहयोग होना चाहिए उतना नहीं कर पाते अपने व्यस्तताओं के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं गए हैं अपनी भाषा पे, अपने बोल चाल पे, अपने रहन सहन पे, वहीं पर आधिपत्य जमाने का उन्होंने काम किया और वहाँ पर नेतृत्व करने का काम किया। वह ताकत भोजपुरिया के अंदर है, उसी भोजपुरी समाज के लोगों द्वारा उन्हीं के बीच का यह कार्यक्रम था जिसमें आज हम लोग आए हुए थे होली के अवसर। भोजपुरी जो संस्कृति है उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से विस्तार हो रहा है? देखिए, भोजपुरी संस्कृति का बहुत तगड़े में विस्तार हो रहा है और इसको 8वीं अनुसूची में डालने का भी प्रयास हो रहा है। इसका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व हमारे सांसद और दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी लगातार कर रहे हैं और हम सबको भरोसा है कि 8वीं अनुसूची में जी भी भोजपुरी आ जाएगी। राय साहब को क्या कहेंगे इस आयोजन के पक्ष में, क्या कहेंगे? अरे, राय साहब के बारे में क्या कहना, ये तो लगातार 36 सालों से इस भोजपुरिया समाज का गठन किया और भोजपुरिया कला को जगा रहे, इनको जितनी भी बधाई और बहुत बहुत प्रशंसा की जाए।